लिसनर्स, अभी कुछ दिन पहले हमने आपको इस लाइट के बारे में बताया था और अब एक खुशी की बात यह है कि ये लाइट जल गई है और इसका जलने का क्रेडिट हम कोई इसलिए प्रोग्राम नहीं बना रहे क्योंकि कि हम इसका जलने का क्रेडिट लेना चाहते हैं, क्योंकि हम बहुत बार बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स करते हैं बट जरूरी नहीं है कि सब पे कार्रवाई हो जाए। और अगर सही मायने में इसका क्रेडिट जाता है तो वो जनता को जाता है और उन डिपार्टमेंट्स को जाता है जिनके अंडर ये काम हुआ है। और इस लाइट के ठीक होने के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, मैं वो इंटरेस्टिंग चीज आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि वो शेयर करना आपसे बहुत जरूरी था। जब ये प्रोग्राम ऐसे ही शेयरिंग में जाके एक सज्जन के पास पहुंचा तो अब उन्होंने क्या किया, आइए उनसे बात करते हैं। ये मेरे साथ रमेश मुमुक्षु जी हैं। रमेश जी के पास जब ये प्रोग्राम पहुंचा तो आपने क्या किया रमेश जी? नमस्कार विशाल जी, मैंने आपका ये प्रोग्राम सुना और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि 5 साल से लाइट चली नहीं है। तो मैंने BSS के DGM है श्री कार्यान जी, उनको मैंने बोला, एक मैसेज किया बल्कि कि आप देख लीजिए अगर आप ये करा सकते हैं तो, कोई शिकायत नहीं की थी। तो उन्होंने कहा कि ये एग्जैक्टली है का मैंने बताया उनको, उन्होंने अपने एक कर्मचारी को भेजा मिस्टर जॉनी को। जॉनी का भी एक्टिव कर्मचारी मैं बहुत पहले से जानता हूँ, हमारे यहाँ भी काम करते रहे हैं वो बिजली का। तो जॉनी जी यहाँ पर आया, जॉनी जी ने बताया कि ये तो MCD की है और उनका चलो मैं खुद ही प्रयास करता हूँ। उन्होंने MCD टाइप किया, बातचीत की और उन्होंने कहा आज या कल में, तो आप देखे कल लाइट जला दी उन लोगों ने। तो अब मैंने उनसे बात की कि ये वास्तव में है किसकी, तो कह रहे हैं MCD की है, DDA इसको मिलके करेंगे, एक दो बल्ब रह गए इसके अंदर। तो मेरा इस बड़े सहज तरीके से आपकी रेडियो द्वारका ने छोटी सी एक बात बोली, कोई शिकायत नहीं थी, मैंने भी शिकायत नहीं की, मैंने सहजता से बात बोली और जॉनी जी ने काम कर दिया। तो मेरे ख्याल से बहुत से काम तो ऐसे भी हो जाते हैं और हो जाने चाहिए। और एक मैं जरूर कहूंगा इस बारे में कि अगर एक ही डिपार्टमेंट को लाइट दे दी जाए बिजली, क्योंकि तो बिजली का नाम आते ही हमें दिमाग में आता है BCS, उसको दे दिया जाए तो मेरे ख्याल से जो इधर डिपार्टमेंट दूसरा तीसरा डिपार्टमेंट, और इस तरह 5 साल बाद इसका उद्धार हुआ। और मैं धन्यवाद करता हूँ कादियान जी को, धन्यवाद करता हूँ, और जॉनी जी यंग है, कर्मठ है, उन्होंने काम किया और हमारे सामने लाइट जल गई, धन्यवाद। परमार्थी को केवल 1 रुपए प्रतिदिन का आपका योगदान भी द्वारका को इस तरह साफ सुथरा और सुंदर बनाए रखने में काफी सहायक सिद्ध होगा, धन्यवाद। जैसा कि आपने अभी सुना, रमेश जी से हमने बात की जिन्होंने उस शेयरिंग को सही जगह पहुंचाया, और आपको उस शख्स से भी मिलाते हैं जिसने मेरे ख्याल से कुछ ही घंटों के अंदर जो लाइट पिछले 5 साल से नहीं जली थी उसको जलाया। मेरे साथ जितेंद्र कुमार जॉनी, हाँ, ये इनका असली नाम जितेंद्र कुमार है और पर ये जॉनी के नाम से बहुत फेमस है। तो आपका स्वागत है रेडियो द्वारका। थैंक यू वेरी मच। इसमें क्या समस्या थी आपसे ये पूछना चाहूंगा, क्यों ये ऐसा हुआ कि इतने सालों के बाद इस सर? देखो, हम सबसे हमारी प्रायोरिटी ये होती है, हम जिस कंपनी के लिए काम करते हैं उसके नाम बदनाम नहीं होना देना चाहते। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है, जो हमें सैलरी देता है या कुछ करता है हमारे लिए तो उसका नाम भी हम ऐसे ही ऐसे पब्लिक में उनका नाम बदनाम ना हो। तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि हमारा काम तो नहीं है इसमें, मेरा देखने का यही मतलब था। मैंने देखा आके तो मुझे लगा कि ये हमारे रमेश जी हैं, इन्होंने मुझे बहुत टाइम से इनसे बात होती है, लेकिन इन्होंने मुझे बताया कि आप चेक करिए एक बार। मैंने आके चेक किया, चेक करने पता चला मुझे कि MCD के हैंड पे है। मैंने MCD से बात की, हालांकि इसमें इतना ज्यादा कोई काम नहीं था, तो 4-5 साल लग गए इसे ठीक होने में। छोटा सा काम था, एक वायर हटी हुई थी, ठीक है, वो MCD का कोई भी बंदा आके या कोई भी जिस भी डिपार्टमेंट का, एनीथिंग किसी भी डिपार्टमेंट की है वो आके लगा सकता था, लेकिन वो नहीं हुआ। पर मैंने बात करी उनसे, कादियान जी ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे मेरे पास कॉल आई है और ये प्रॉब्लम है, आप देख के इसको शॉर्ट आउट करवा दो अगर अपने हैंड पे है तो। मैंने उनको बताया सर हमारे हैंड पे नहीं है, लेकिन रमेश जी ने जो कॉल किया है उनकी रिगार्ड करता हूँ मैं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ये मैं प्रायोरिटी पे अपने बेस पे मैं करवा देता हूँ, जिसके भी डिपार्टमेंट की है कोई भी है। मैंने वहां बात करी, EESL में मैंने बात करी, तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे। मैंने कहा भाई मुझे रिजल्ट चाहिए आज या कल में, क्योंकि ये प्रायोरिटी बेस पे आपको करनी है, आज या कल मुझे जवाब चाहिए, कैसे देना है कैसे नहीं ये आप देखो। उन्होंने अपनी टीम भेजी यहाँ पे, मैंने कहा मैं ऑन द स्पॉट वहीं मिलूंगा आपको साइट पे। मैं साइट पे आया, मैंने देखा लड़के काम कर रहे हैं,
छोटी सी वायर थी उसको कनेक्ट करके दो लाइटें चालू हो चुकी है, ठीक है ना, दो लाइटें चालू है। एक कुछ छोटा सा ऑप्शन और है, वो एक होल्डर टूटा हुआ है, वो भी अब मेरे हैंड पे है नहीं, अगर मेरे पास होता तो मैं कब का करवा देता, लेकिन ये अभी एमसीडी के पास भी नहीं है होल्डर। वो मैंने उनको बोला था कि भाई इसमें वो चीजें एलईडी में कन्वर्ट करवा दीजिए, एलईडी कन्वर्ट हो जाएगा तो कंजप्शन भी कम होगा, ठीक है ना, और वो बेटर भी होता है वाइट रोशनी। बट उन्होंने अभी वहां से कोई है नहीं, उन्होंने कहा हमारे हैंड पे नहीं है, डीडीए के पास है, तो डीडीए चेंज करेगी। मैंने कहा चलो इतना तो ये है कि मैंने इतना बोल के करवा दिया, अब दूसरा है वो भी ऑप्शन में क्लियर। अब पीछे एक बैक साइड में भी एक लाइट थी वो भी बंद थी, उसमें भी कोई ऑप्शन था, तो मैंने छोटी सी वायर देखी, मैंने कहा अगर वायर नहीं है तो छोटी सी वायर मैं दे देता हूँ उसको चालू कर दो बस, मैंने वो वायर देखी वो भी चालू करा। तो बाकी मेरे लिए अगर मेरे से कुछ हेल्प होती है तो मैं वो भी तैयार हूँ, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं। सो लिसनर्स, अभी आपने सुना देखा कि पब्लिक पार्टिसिपेशन से और साथ में अधिकारियों के उससे एक लाइट जो पिछले 5 साल से नहीं जली थी जल गई है, और जो छोटी मोटी कमियां है वो भी मेरे ख्याल से आने वाले समय में जो दो बल्ब जैसे बता रहे हैं मिस्टर जॉनी वो भी ठीक हो जाएंगे। और ये इसके लिए मैं जनता को और डिपार्टमेंट्स को क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने जैसे ही उनके संज्ञान में ये चीज आई कार्रवाई की और लाइट को ठीक किया। सुनते हैं रेडियो द्वारका, एक कदम कल की ओर।